वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको नींबू को प्रिजर्व करने के साथ शानदार तरीके बताऊंगी, साथ ही साथ मैं दूंगी कुछ टिप्स जिससे कि जो है नींबू हमारे 1 से 2 साल तक सेफ रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर ये 5 किलो नींबू लिए हैं। आप सोच रहे होंगे इतने नींबू का मैं क्या करूँगी। अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो नींबू जो है बहुत ही सस्ते आते हैं, तो इस समय यदि हम इनको स्टोर करके रख दें तो ये जो है 12 महीने तक खराब नहीं होते हैं। और जो है सर्दी के सीजन में नींबू बहुत महंगे हो जाते हैं, इसलिए अभी इस समय हम इनको प्रिजर्व करके रखें तो ये नींबू जो है हमारे काफी लंबे समय तक चलते हैं। हर रेसिपी के अंदर हम इनको काम में ले सकते हैं। गर्मी में हम सभी खूब पीते हैं नींबू पानी, तो यदि लेमन जूस निकला हुआ हो तो हम आसानी से उनको बना सकते हैं। तो प्रिजर्व करने से पहले हमें एक बात का खास ध्यान रखना है कि सभी नींबू को अच्छी तरह से धोकर वॉश करें और इनको पूरा अच्छी तरह से हमें सुखाना है। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। थोड़ी देर आप इनको हवा के नीचे फैला दें। तो मैं आपको बहुत तरीके से नींबू आज प्रिजर्व करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम नींबू को कट करेंगे, इस तरह हमें इनको कट करना है। सभी को हमें इस तरह कट कर देंगे, ये देखिए बड़ी आसानी से कट हो जाते हैं इस तरह हमें जितने प्रिजर्व करने हैं उतने ही हम कट करेंगे। मैं आज आपको अलग अलग तरीके से प्रिजर्व करना बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इतने नींबू को जो है कट कर लिया है, थोड़े नींबू मैंने बचा के रखे हैं ताकि मैं आपको और दूसरे तरीके भी जो है बता सकूं। बहुत ही आसान तरीके से हम नींबू को प्रिजर्व कर सकते हैं। आप जरूर मेरा वीडियो देखें, बिना स्किप के यदि आप देखेंगे तो आपको सारे तरीके समझ में आएंगे। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। तो इस तरह मैंने आधे नींबू को जो कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है खाली बाउल और उसके ऊपर हम रखेंगे छलनी और इस तरह हम नींबू का रस निकाल लेंगे। जूस जो है नीचे ही रह जाएगा और बीज ऊपर आ जाएंगे। इस तरह बड़े आसानी से जो है इसका जूस निकल जाता है, आप देख सकते हैं। इस तरह हमें सभी नींबू का जो है रस निकालना है। आप देख सकते हैं सभी नींबू का जो है मैंने जूस निकाल लिया है। ये देखिए के जो बीज है इनको हम हटा देंगे। इतना सारा जूस हमारा निकल कर तैयार हो गया है। अब इन्हें हमें कैसे रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक खास टिप्स देना चाहूंगी कि हमने जो स्टील का बर्तन लिया है, हो सके तो आप कांच का ही बर्तन ले। स्टील के बर्तन में हमें ज्यादा देर तक जूस को नहीं रखना है, ज्यादा से ज्यादा आप 15 मिनट तक इसमें रख सकते हैं। तो अब मैं बताती हूँ जूस को हमें कैसे सेफ रखना है। नंबर 1 तरीका हमारा, इस जूस को आप ऐसे ही कांच की बोतल में भर कर रख दें। ये आपका जो है जूस काफी समय तक खराब नहीं होगा, कम से कम 6 से 7 महीने तक ये जूस आपका खराब नहीं होगा। कोई भी आप कांच की बोतल में या फिर इस तरह की प्लास्टिक की बोतल में जो आती है वो आप भर के रख दें। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ कि इस जूस के अंदर थोड़ा सा हम नमक मिला देंगे। नमक मिलाने से भी जूस जो है हमारा काफी समय तक सेफ रहेगा, 7 से 8 महीने तक जो है वो जूस हमारा खराब नहीं होगा। अब मैं बताऊंगी हमारा तीसरा तरीका। जूस को आप गैस पे गरम करें जब तक कि एक उबाली ना आ जाए। जैसे ही एक उबाली आती है गैस की फ्लेम को बंद कर दे, जूस को ठंडा होने दे। जूस तब बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हमें इसको कांच के बोतल में भरना है। ऐसा करने से जूस में जो कच्चापन होता है वो हट जाएगा और बहुत अच्छा जूस हमारा बनकर तैयार होगा। ये जूस भी है हमारा जो है 11 से 12 महीने तक खराब नहीं होगा। अब मैं बताऊंगी आपको हमारे जूस को प्रिजर्व करने का 4th तरीका। जूस के आप जमा ले आइस क्यूब, जैसे कि मैंने ये आइस ट्रे ली है, इसमें हम जूस के आइस क्यूब जमा लेंगे। तो इसको हम भर लेंगे इस तरह और इस आइस ट्रे को हमें 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देना है। और जब इसके आइस क्यूब बन जाएगी तो आप इसको काम में ले सकते हैं। ये जो आइस क्यूब हमारी बनेगी 1 से 2 साल तक खराब नहीं होगी। ये देखे मैंने पहले से ही करके रखा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं ये आइस क्यूब मैंने जमा दी है इसमें, ये देखिए। इसी तरह हम इसकी भी आइस क्यूब जमा देंगे। आप चाहे तो इसको ट्रे में ही रहने दें, लेकिन आप चाहे तो इसको निकाल के भी रख सकते हैं तो बड़ी आसानी से ये निकल जाती है। ये देखिए पहले से मैंने इनको प्रिजर्व करके रखा हुआ, आप देख सकते हैं आइस क्यूब जो है हमारी अच्छी तरह से जम गई है। तो मैंने इनको जिपलॉक थैली के अंदर डाल दिया था, आप देख सकते हैं। जब भी हमें इनकी जरूरत हो तो हम लॉक को खोल लेंगे और आइस क्यूब को निकाल लेंगे और काम में लेंगे। इसे इसकी एयर निकाल के हमें इसको अच्छे से पैक करना है। आइस क्यूब का साइज आप चाहे तो छोटा बड़ा, जिस तरह के आपके आइस क्यूब की ट्रे है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इस आइस क्यूब को हमें फ्रीजर में ही रखना है, फ्रिज में नहीं। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी हमारा 5वां तरीका। वो ये है कि यदि आप चाहते हैं कि हमें इसका जूस नहीं निकालना है, हमें साबुत नींबू ही रखने हैं,
तो साबुत नींबू को हम कैसे सेफ रखें काफी लॉन्ग टाइम तक, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह मैंने ये न्यूज़पेपर लिए हैं, इनको अच्छे से मैंने बराबर कट कर लिया है। एक न्यूज़पेपर लेंगे, नींबू को इसमें डालेंगे करके, और इसका एक अच्छे से इसको जो है हम कवर कर देंगे इस तरह कवर करके भी हम रख सकते हैं। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है, नींबू जो है हमारे सारे अच्छी तरह से सूखे हुए होने चाहिए, बिल्कुल भी जो है इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। बड़ी आसानी से हो जाता है। इस तरह भी आप यदि इसको रखेंगे तो ये भी जो है हमारे 2-3 महीने तक जो है नींबू खराब नहीं होंगे। इस तरह हमें लेना है एक कंटेनर, उसमें हम सभी को डाल के रख देंगे, जिससे जो है ये हमारे नींबू खराब नहीं होंगे। तो इस तरीके से भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं, बस कंटेनर को ढक के आप फ्रिज में रख दें। आप चाहे तो न्यूज़पेपर की जगह टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं, बिल्कुल जो है नींबू में दाग नहीं लगेंगे और जो है नींबू हमारे काफी समय तक खराब नहीं होंगे। अब मैं बताऊंगी हमारा छठा तरीका, अब मैं बताऊंगी हमारा अगला तरीका, तो वो है हम चाहे सरसों का तेल ले, चाहे रिफाइंड ऑयल ले, चाहे घी ले, ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा ही हमें लेना है। उस तरह हम हाथों पे मसल लेंगे और जो नींबू है उस पर कोटिंग से कर देंगे। एयर टाइट कंटेनर लेंगे और उसमें डालते जाएंगे। इस तरह करने से भी जो है नींबू हमारे काफी समय तक खराब नहीं होंगे। डालकर हम उनको ढक देंगे अच्छी तरह से और फ्रिज में रख देंगे। डिब्बा जो है एयर टाइट होना चाहिए, ऐसे करने से भी नींबू हमारे 2 महीने तक खराब नहीं होते हैं। ये तरीका भी बहुत अच्छा है। अब मैं बताऊंगी हमारा 7वां तरीका। तो हमने यहाँ पर एक कंटेनर लिया है, चाहे आप कांच का ले या प्लास्टिक का ले, कोई भी ले सकते हैं। सभी नींबू को जो हम कंटेनर में भर देंगे। हमें इसमें ऐड करना है पानी, इतना ऐड करना है कि नींबू पे जो है ऊपर तक आ जाए। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 गिलास पानी ऐड किया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप विनेगर, जो व्हाइट सिरका आता है ना वो इसमें हम डालेंगे। अच्छे से हम सभी को मिक्स कर लेंगे इस तरह, और इसको अब हम ढक के रख देंगे। इस कंटेनर को हमें फ्रिज में रखना है, और ये जो नींबू है हमारे 4 से 5 महीने तक खराब नहीं होते हैं। ये था हमारा सर्व करने के, मैंने आज आपको 7 तरीके बताए हैं। आपको कौन सा तरीका पसंद आया आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के मुझे बताएं। अब मैं आपको एक खास बात शेयर करूंगी, वो है कि हमने जो लेमन जूस निकाला था तो उसके हमारे पास छिलके रह गए थे, तो उसका हमें क्या करना है। आप देख सकते हैं इतने सारे छिलके जो हमारे रह गए थे, तो इनका हम क्या करें। इन छिलकों को हमें फेंकना नहीं है, इनको हम अचार के लिए तैयार करेंगे। इस तरह का कोई भी एक कंटेनर ले लें आप, और इसमें सारे नींबू के छिलके भरने हैं। आप कोई भी कांच का या प्लास्टिक का कंटेनर ले लें, और 3 से 4 टीस्पून हमें उसमें डालना है खाने वाला नमक। डाल के ढककर हम रख देंगे। 10 से 12 दिन तक हम उसको हिलाते रहेंगे बीच बीच में, और नींबू जो अच्छी तरह से गल जाएंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने नींबू का अचार तैयार किया है। नींबू को अच्छे से गाल लिया है, ये अच्छी तरह से गल गए हैं, आपको कलर से ही पता लग रहा होगा। ये देखिए आप देख सकते हैं इतने सारे नींबू मैंने गाले हैं। इस तरह आप नींबू को गला के भी रख सकते हैं। जब भी आपका अचार खाने की इच्छा हो तो आप इनका अचार बनाकर खा सकते हैं, और पेट दर्द हो या फिर जी मचलाए तो आप ऐसे भी इस नींबू को खा सकते हैं। ये नींबू खाने में बहुत ही फायदा करता है, बहुत ही गुणकारी होता है। जब इस नींबू को हम सुखा देंगे तो इसका चूर्ण भी बनाकर आप खा सकते हैं। नींबू के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, विटामिन सी होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप छिलकों को फेंके नहीं, इस तरह जैसे मैंने गलाए हैं आप भी इनको गला लें, और जब भी इच्छा हो हम नींबू का खट्टा मीठा अचार या नींबू का खट्टा अचार जो है बनाकर खा सकते हैं। और ये जो अचार हम बनाएंगे वो अचार भी जो है हमारा साल भर तक खराब नहीं होगा, है ना। कितने फायदे वाली बात, नींबू भी गलाए हमने, छिलका भी काम आ गया, जो अचार बनाएंगे वो भी साल भर तक खराब नहीं होगा। तो एक ही चीज से हम कितनी सारी चीजें इसकी बना सकते हैं। तो वो अचार हमें कैसे बनाना है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। यदि आप वो सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख कर बताएं, तो मैं उसका वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। मैंने आज आपको 7 तरीके से नींबू को प्रिजर्व और सेफ करना बताया, साथ ही साथ ये भी बताया कि उनके छिलकों का हम क्या सदुपयोग कर सकते हैं, कैसे हमें उन्हें काम में लेना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि पसंद आया है तो जरूर इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।